वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि फ्यूचर कंज्यूमर में आज हल्की सी फिर से गिरावट देखने को मिले। स्टॉक के अंदर 1.75 ट्रेडिंग करा है फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक। 5 पैसे की गिरावट यानी कि 2.86% की गिरावट देखने को मिले फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के अंदर। यानी कि फ्यूचर कंज्यूमर देखा जाए तो आज ओपन तो देख सकते कि प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसके नीचे ही ओपन हुआ था। ओपन होते ही तेजी देखने को मिली थी, पर प्रीवियस जो क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है 1.75 लेवल, उसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया है फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के लिए, जो कि उसको ब्रेकआउट नहीं दे रहा है फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक। और नीचे के लेवल जो है 1.70 जहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक। देखा जाए तो बहुत ही चौपी मूवमेंट देखने को मिले काफी दिनों से। तो मार्केट कैप देखा जाए तो 343 करोड़ की मार्केट कैप है, अभी भी देख सकते हो कि 300 करोड़ के ऊपर ही है। तो देख सकते हो कि पिछले 5 दिनों के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि चौपी से मूवमेंट देखने को मिले। पिछले 5 दिनों में कोई खास मूवमेंट भी नहीं देखने को मिली है। वॉल्यूम देखिएगा, आज के दिन का तो 12,81,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है स्टॉक के अंदर। ट्रेडेड वैल्यू जो है 22 लाख की यहाँ पे देखने को मिले है फ्यूचर कंज्यूमर में। तो बाइंग के लिए देख सकते हैं 83 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है, तो सेलिंग के लिए 70 लाख क्वांटिटी पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। तो देख सकते कि सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन के ऊपर नजर डाली जाए तो 11 लाख में से तकरीबन 8,84,000 क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुके हैं। टोटल 80% क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के अंदर। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि आज गैप डाउन से ओपन हुआ, ओपन होते ही तेजी पकड़ी है। पर रिसेंटली देखा जाए तो देख सकते कि सपोर्ट 1 जो है 1.75 है उसका रिजिस्टेंस अभी रिसेंटली लगता हुआ नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो बहुत ही चॉपी मूवमेंट देखने को मिले है फ्यूचर कंज्यूमर में। तकरीबन देख सकते हो कि नीचे की जो 1 पॉइंट जो लो बनाया था 1.60 का, जो उसको ब्रेकआउट मिलता है तब तक, ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक ऊपर स्टेबल रहेगा, ब्रेकआउट मिलता है तो और गिरावट हो सकती है। तो ये लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के लिए।